हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश की राजधानी की सड़कों पर इस समय लोग किस तरह से बेबस हैं, अपने घरों की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं और स्थिति यकीन मानिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई सी बनी हुई है। ये एक परिवार है जो हमें किस रेड़ी पर, साइकिल की रेड़ी पर जाता हुआ दिखाई दिया। इनसे रुक कर जब हमने पूछा तो इनकी कहानी क्या है वो भी वाकई चौंकाने वाली है, क्योंकि जिस तरह से परिवार यहाँ से निकला है, दरअसल अपने गांव रामपुर जा रहे हैं। महेंद्र इनका नाम है। महेंद्र, ये रेड़ी पे आप अपना कामकाज करते थे? हाँ। क्या कामकाज था? पराठे, चावल, रोटी ये सब लगाते थे। फिर क्या काम, अभी घर से आए थे, अब होली करके अब 6-7 दिन काम करा, जब तक ये कल्फ्यू लग गया, वो लग गया लॉकडाउन वाला सिस्टम, तो क्या करेंगे फिर। जब तक था खाने पानी के लिए, इतना कुछ कमाया वो खा चुके, अब घर जा रहे हैं। जिस रेड़ी पे दुकान लगाते थे उसी रेड़ी पे पूरा परिवार लेके आप साइकिल चलाए चले जा रहे हैं, कई किलोमीटर का रास्ता अभी तय करना है आपको। कोई बात नहीं, चले जाएं सही सलामत, पैदल से तो अच्छा है। कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, सारे लोग निकल ही चुके, दो दो चार चार करके, फिर हम भी निकल जाएंगे। छोटा सा बच्चा आपके साथ, कितने महीने की बच्ची है? 6 महीने की बच्ची है। तो इसको ऐसे धूप में ले जाएंगे, दिक्कत नहीं होगी? रुकते हुए जाएंगे ना जगह जगह। खाने पीने का सामान आप लोग साथ लेकर जा रहे हैं? साथ जो भी आटा था उसका कुछ बना लिया, बस अब जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? मंडके से। कितना समय अभी आपको लगेगा, मालूम है आपको कितनी देर लग जाएगी? कहाँ पे जाने में? अपने गाँव पहुँचने में 16-17 घंटे लग जाएंगे, 18 घंटे लगभग। और तब तक आप ये अपनी साइकिल इस तरह से रेडी अपनी चलाते रहेंगे? हाँ चलाते रहेंगे, एक एक करके चलाते रहेंगे तीनों लोग। ये महिंदा आपके भाई हैं दोनों पीछे बैठे? एक भाई है पीछे वाला, एक ये लड़का जान पहचान का है। इसे भी कहाँ जाना है दोस्त? शाहजहानपुर जाना है। तो ये भी बहुत परेशान हो रहा था, हम रेडी लाए निकाल के, फिर कहने लगा हम, चल भाई तू भी साथ निकल चल। मतलब मुसीबत के समय में भी मदद कर रहे हैं? हाँ बस और क्या है। ये महेंद्र का परिवार ही देखिए, सामान लेकर बैठे हुए हैं, साथ में पत्नी है, छोटी सी बच्ची है, भाई बैठा हुआ है साथ में, एक और युवक है जिनको मदद भी दे दी है। आप छोटी सी बच्ची को लेकर जा रही हैं, धूप है, गर्मी है, दिक्कत रास्ते पर रहेगी आप लोगों? दिक्कत तो रहेगी, अब ले जाना तो है, घर पे ही जाना है। आप लोग को रहना ठीक क्यों नहीं लग रहा है महेंद्र, आप लोग क्यों नहीं रुकना चाह रहे? क्या रुके, अब खाने के लिए जो था वो खा चुके, अब किससे मांगेंगे? दुकानों पे भी टूट हो रही है सामान की, सरकार खाना दे रही है, इसका आप लोग को कुछ पता है? कुछ या नहीं, हमारे लिए तो आज तक कुछ भी ना मिला है, ना खाना फाना, कुछ सुनवाई भी नहीं हुई है। कहते रहते हैं कि खाना मिलेगा, वाहन चलेंगे, यानी कि वहाँ से आनंद विहार के लिए बस पे भी बैठा रहे हैं, तब भी 2-4 बार 6 बार बस पे बैठे, सब लोगों ने उतार दिया, फिर बताओ क्या करेंगे हम, इसी से निकल जा रहे हैं। साइकिल आपकी अभी चलती रहने वाली है? चलती रहने वाली। कई किलोमीटर तो आप चला चुके मुंडका से यहाँ तक? यहाँ आ गए, सीलमपुर है ये। कितनी देर लगी? 1.5 घंटा लगा है यहाँ तक आने में। और कभी करीब अभी कई घंटे का और रास्ता आपका बाकी है। ये यहाँ पर परिवार देखिए यहाँ से जा रहे हैं। महेंद्र, जो रेड़ी इनका आजीविका चलाने के काम आती थी, वही रेड़ी आज परिवार को ले जाने के काम आ रही है। उत्तर प्रदेश के रामपुर इन्हें जाना है। और दरअसल वही जिंदगी की जद्दोजहद वाली बात करेगी, यहाँ से इस तरह से लोगों को पलायन करने को होने को मजबूर होना पड़ा। और कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर व्यवस्था अगर सरकार ने की है तो लोगों तक वो पहुंची क्यों नहीं, लोगों तक ये संदेश क्यों नहीं जा पा रहा है कि उनके लिए इंतजाम सरकार ने किए हैं और वो चाहें तो सुरक्षित वहीं रह सकते हैं जहां वो रोजी रोटी कमाने आए थे। लेकिन फिलहाल सड़कों पर, देश की राजधानी की सड़कों पर ये तस्वीर भी कभी देखने को मिलेगी, ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।